पीयू से भरा हुआ था। नया फिरौन डरता था कि इसराइली बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें गुलाम बनाकर उनसे बेहद बुरा बर्ताव किया। कि सभी इसराइली लड़के मार दिए जाएं। एक स्त्री ने अपने लड़के को टोकरी में रखा और उसे नदी के किनारे छोड़ दिया। उसकी बहन उसे देख ले आई, किनारे नहा रही थी। उसे बच्चा मिल गया और उसने उसे रखने का निर्णय लिया। उसकी बहन ने उसके पालन पोषण के लिए उसकी माता की सहायता की पेशकश की। फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा हुआ। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्त्री इसराइली को मार रहा है। मूसा ने मिस्त्री को मार दिया और मिद्यान को भाग गया और 40 साल तक एक चरवाहा होकर रहा। पर अपनी भेड़ों की निगरानी कर रहा था। परमेश्वर की आवाज एक जलती झाड़ी से बोलने लगी, मूसा मेरे लोग कष्ट में है, मैंने उन्हें आजाद कराने के लिए तुझे चुना है। मूसा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। परमेश्वर ने वादा किया। अपनी लाठी नीचे फेंक मूसा ने किया, वो लाठी एक सांप में बदल गई। जब उसने इसे उठाया वो पुनः एक लाठी बन गई। परमेश्वर ने कहा, मूसा ने ऐसा ही किया। उसने देखा ये रोग से भर गया था। जब उसने दोबारा किया वो चंगा हो गया था। ये जाकर फिरौन को दिखा। परमेश्वर ने कहा, मूसा ने कहा, मैं तुझे शक्ति दूंगा। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा भाई हारून सहायता कर सकता है। करने के लिए फिरौन को बताने के लिए